हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने वाले हैं उसका नाम दुनिया के छोटे देशों की सूची में शामिल है। इस देश का 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहां के पहाड़ ही हैं देश की खूबसूरती का एक सबसे बड़ा कारण। यहां के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा नास्तिक माने जाते हैं और इस देश का नाम दुनिया के सबसे करप्ट देशों में लिया जाता है। इस देश की सड़कें इतनी बार बदली जाती हैं कि खुद गूगल मैप भी आपको ठीक रास्ता नहीं बता पाता। एक ऐसा देश जहां मरे हुए पशुओं को घरों के बाहर लटकाया जाता है। इस देश में आपको ढूंढने पर भी मैकडॉनल्ड्स नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसे बंकर्स का देश भी कहा जाता है। ये एक बेहद ही अलग और खूबसूरत देश है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस देश के बारे में नहीं जानता हो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोपियन देश अल्बेनिया की, तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर अल्बेनिया के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि अल्बेनिया का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ अल्बेनिया। अल्बेनिया एक बेहद ही खूबसूरत और अलग देश है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इसको अन्य देशों से अलग बनाती है। नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में स्थित अल्बेनिया की सीमा एड्रियाटिक और लोनियन सागरों के साथ लगती हुई है। अल्बेनिया एरिया के हिसाब से दुनिया का 139वां सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन के मामले में ये एक छोटा सा देश है जहां केवल 28.7 लाख लोग ही रहते हैं। इतने कम लोग होने की वजह से ये देश काफी खूबसूरत माना जाता है। अल्बेनिया देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है अल्बेनियन, जो की एक इंडो यूरोपियन भाषा है। अल्बेनियन के अलावा इस देश में लोग मैसिडोनिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो और अर्बरेश बोली में भी बात करते हैं। अल्बेनिया की सीमाएं उत्तर में कोसोवो, उत्तर पश्चिम में मोंटेनेग्रो, पूर्व में भूतपूर्व योगोस्लाविया और दक्षिण में यूनान से लगी हुई है। अल्बेनिया की राजधानी तिराना है और ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, अल्बेनिया देश की जिम्मेदारी यहाँ के राष्ट्रपति के हाथों में ही होती है, मतलब यहाँ कुछ भी राष्ट्रपति की मर्जी के बिना नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस देश के इतिहास के बारे में। दूसरी से चौथी सदी तक अल्बेनिया रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। पहले बालकन युद्ध के बाद अल्बेनिया साल 1912 में एक स्वतंत्र देश बना। उसके बाद यहाँ पर 1939 में इटली ने आक्रमण किया था, जिसके चलते 1943 में नाजी जर्मन के रक्षक बनने से पहले ग्रेटर अल्बेनिया की स्थापना की गई थी। अल्बेनिया की अर्थव्यवस्था सेवाएं, कृषि और इंडस्ट्रियल एरियाज पर सबसे ज्यादा निर्भर है। यहाँ की इकॉनमी 21.7% कृषि से आती है, जबकि 50% से ज्यादा सेवाओं पर अल्बेनिया की इकॉनमी टिकी हुई है। यहाँ लोग खूब खेती करते हैं और लोग अपनी खेतों में फसल की रक्षा करने के लिए एक से बढ़कर एक तरकीब अपनाते हैं। अल्बेनिया को एक समय यूरोप का सबसे गरीब देश माना जाता था, लेकिन आज इस देश की गिनती सबसे अमीर देशों में की जाती है। इस देश ने सर्विस सेक्टर में खुद को स्थापित करके आज पूरे यूरोप में अपनी एक अलग जगह कायम की है। अल्बेनिया एक ऐसा देश है जहां कई जातियों के लोग रहते हैं, जिसमें 94% अल्बानियन, 2% यूनानी, 3% आर्मेनियन, 1% जिप्सी, सर्बिया और मैसिडोनियन लोग शामिल है। वैसे ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन की बात की जाए तो इसमें से 60% मुस्लिम है और 35% क्रिश्चियन, वही 5% बाकी अलग अलग धर्म के हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्बेनिया का नाम उन देशों की सूची में आता है जहां सबसे ज्यादा नास्तिक रहते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा देश है जहां कोई किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं रखता। साल 1967 में अल्बेनिया दुनिया का पहला नास्तिक देश बना। यहां के लगभग 90% से ज्यादा आबादी पाठ पूजा और भगवान को नहीं मानते हैं। ये एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ के बच्चों को प्राइमरी और सेकेंडरी की शिक्षा मुफ्त में देता है। अल्बेनिया एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस है। इन्हें पता है कि अगर देश को आगे बढ़ने में कोई चीज मदद कर सकती है तो वो है शिक्षा। 2009 के आंकड़ों के अनुसार अल्बेनिया की लिटरेसी रेट है 98.14%, जो कि काबिले तारीफ है। पूरी दुनिया में अल्बेनिया देश में रहने वाले लोग काफी मशहूर है। दुनिया यहाँ रहने वाले लोगों को अल्बेनियन और इस देश को अल्बेनिया बुलाती है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा नहीं मानते। अल्बेनिया के लोगों ने अल्बेनिया को शकीपेरी नाम दिया है। इस नाम को रखने के पीछे वैसे तो कई बातें बोली जाती है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि इस नाम के पीछे का मतलब स्किपोनिया से लिया गया है। स्किपोनिया है अल्बेनिया का ईगल। ईगल इस देश के लिए बहुत महत्व रखती है। ईगल इस देश का नेशनल सिंबल भी है। अल्बेनिया के नेशनल फ्लैग पर भी आपको ईगल दिखाई देगा। इस फ्लैग पर दो सिर वाला ईगल बना हुआ है। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि अल्बेनिया में स्पीड बोट का उपयोग करना वर्जित है। आप यहां भूलकर भी स्पीड बोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आपको भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अल्बेनिया में स्पीड बोट गैर कानूनी भी मानी जाती है। अल्बेनिया में स्पीड बोट का उपयोग मानव और ड्रग्स की तस्करी इटली और ग्रीस के समुद्री तटों पर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अल्बेनिया देश के लोग बिना जूते पहने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। ये इस देश की
एक तरह की परंपरा भी है। यहाँ के लोग अलग अलग तरह के जूते पहने नजर आते हैं क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से आपके जीवन में खुशी बनी रहती है। अल्बेनिया में एक अलग ही चीज है जो आपको थोड़ा अजीब भी लगे क्योंकि आपने ऐसा आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। दरअसल यहाँ के लोग हर बात का जवाब दूसरे देशों के मुकाबले हाँ का जवाब ना और ना का जवाब हाँ में देते हैं। यानी कि अगर अल्बेनिया को किसी चीज के लिए मना करना होगा तो वो अपने सर को ऊपर से नीचे की तरफ करके देंगे और किसी चीज के लिए हाँ करना होगा तो साइड की तरफ। इसके पीछे का क्या कारण है किसी को नहीं पता। इसके अलावा हाँ और ना की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अल्बेनिया में दो शब्द भी हैं। अल्बेनिया में हाँ कहने के लिए पो और ना कहने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अल्बेनिया देश में एक अजीब सी चीज है और वो ये कि यहाँ के लोगों और यहाँ की सरकार को सड़कें बिल्कुल नहीं पसंद आती। जी हाँ, यहाँ हर साल सड़कें बदल दी जाती है जिसे देखकर खुद गूगल मैप भी कंफ्यूज रहता है। यहाँ गूगल मैप के साथ तो आप गाड़ी बिल्कुल ही नहीं चला सकते। यहाँ हर साल नए रास्ते बनते हैं जिस वजह से मैप भी गलत रास्ता बताता है। यूरोपियन देश होने के बावजूद भी अल्बेनिया की राजधानी तिराना में एक भी मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट नहीं है। सिर्फ तिराना में ही नहीं बल्कि पूरे अल्बेनिया में ढूंढने पर भी आपको एक भी मैकडोनल्ड नहीं मिलेगा। अल्बेनिया देश एक चीज में काफी बदनाम है और वो है करप्शन। इस देश की गिनती दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में की जाती है। यहाँ की सरकार को तो छोड़ ही दीजिए, देश की पुलिस का भी करप्शन के मामले में कोई जवाब नहीं साहब। अल्बेनिया की पुलिस बहुत भ्रष्ट है और ये बात तो खुद अल्बेनिया के लोग भी मानते हैं। यहाँ आपको पुलिस हमेशा ही फाइन काटती हुई नजर आएगी। हालांकि इसके लिए अल्बेनिया के लोग भी कई हद तक जिम्मेदार हैं क्योंकि यहाँ के लोग ट्रैफिक रूल्स का बिल्कुल भी पालन नहीं करते। अल्बेनियन लोग ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट पहनना भी पसंद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अल्बेनिया में अगर कुछ सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तो वो है बंकर्स। यहाँ आपको हर जगह बंकर्स देखने को मिल जाएंगे। इन बंकर्स को हमलों से बचने के लिए अल्बेनिया की सरकार ने बनाया था। हालांकि ये बंकर्स काफी पुराने हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान अल्बेनिया की सरकार ने अपने लोगों को हमले से बचाने के लिए ही ये बंकर्स बनाए थे। हर सड़क, स्कूल, कॉलेज और पार्कों में ये बंकर्स मौजूद हैं। इन बंकर्स की संख्या पूरे देश में 2 लाख के करीब है। हालांकि आज ये बंकर्स सांपों के काम आ रहे हैं। अल्बेनियाई देश में आपको हर एक घर बहुत ही कलरफुल नजर आएगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आपने अपने घर को कलर अच्छे से किया है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है। साथ ही लोगों का मानना है कि इससे आपके घर में भी कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। दोस्तों, अल्बेनिया के लोग मरे हुए पशु को काफी शुभ मानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश के लोग मरे हुए पशुओं को अपने घरों के बाहर टांगते हैं। अल्बेनिया के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बुरी आत्माएं घरों में प्रवेश नहीं करती। चलिए दोस्तों, अल्बेनिया के बारे में अब एक और कमाल की बात आपको बताते हैं। दोस्तों, मदर टेरेसा का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मदर टेरेसा जी का जन्म अल्बेनिया में ही हुआ था। अल्बेनिया के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नेने तेरेजा का नाम मदर टेरेसा की तर्ज पर रखा गया है। एयरपोर्ट की बात हो रही है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल्बेनिया की ट्रांसपोर्ट और हवाई सुविधा काफी डेवलप्ड है। देश में 4 हवाई अड्डे, 677 किलोमीटर रेल सुविधा और कुल 18,000 किलोमीटर सड़क मार्ग मौजूद है। अल्बेनिया में सड़कें वर्ल्ड क्लास लेवल की होती हैं। अल्बेनिया देश में एक शहर है जिसका नाम है स्कोड्रा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर न तो एक रेड लाइट है और न ही एक स्पीड ब्रेकर। अपने आप में ये सबसे अलग ही शहर है। दोस्तों, अल्बेनिया के हर व्यक्ति रात के खाने के बाद आपको जरूर सड़कों पर टहलता नजर आ जाएगा। यहाँ इस प्रथा को जीरो कहा जाता है। यहाँ शाम को लोगों के एक साथ बाहर निकलने से काफी भीड़ भी हो जाती है। अल्बेनिया के लोगों के बीच डेजर्ट खाना काफी पॉपुलर है। यहाँ हर डिश के साथ डेजर्ट जरूर रहता है। भारत के बंगाली लोगों की तरह ही अल्बेनिया के लोग भी मीठा खाना काफी पसंद करते हैं। डेजर्ट के बाद सबसे ज्यादा अल्बेनिया के लोगों को कॉफी पसंद है। अल्बेनिया में हर कोई सुबह चाय की जगह कॉफी पीना ही पसंद करता है। अल्बेनिया का 70% हिस्सा पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि अल्बेनिया यूरोप के सबसे सुंदर देशों में शामिल है। इस देश की आर्किड झील यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। ये झील इतनी सुंदर है कि दूर देशों से लोग यहाँ इसे देखने आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और अल्बेनिया में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा लगभग 15 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको अल्बेनिया घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 25,000 रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, अल्बेनिया की करेंसी है अल्बेनियन लेक, जिसकी वैल्यू लगभग 0.70 भारतीय रुपए के बराबर। तो दोस्तों, ये था सबसे यूरोप के खूबसूरत देशों में से एक अल्बेनिया। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किए इस शहर की, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।